अमरकंटक से खंभात की खाड़ी तक कल कल बहने वाली जीवनदायिनी मां नर्मदा का जन्मोत्सव नर्मदा सप्तमी को मनाया जाता है। नर्मदा के तटीय स्थलों पर बसे शहरों व नगरों में सबसे बड़ा आयोजन बड़वाह में ही देखने को मिलता है। यहां पर नर्मदा जयंती से 6 दिन पूर्व मां नर्मदा की आराधना व पूजन अर्चन का दौर प्रारंभ हो जाता है। बुधवार 6 दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव की शुरुआत अखंड ज्योत के प्रज्वलन के साथ हुई, लेकिन कोविड-19 के कारण नर्मदा जयंती महोत्सव इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सादगी से लघु रूप में मनाया जाए। प्रतिदिन शाम 7 बजे नर्मदाष्टक एवं आरती तो होगी, लेकिन भजन संध्या नहीं होगी। वहीं कन्याओं को प्रति दिवस भोजन एवं विशाल भंडारा नहीं होगा। बुधवार ब्रह्म मुहूर्त में मंगलाचरण एवं गणेश अंबिका की पूजा अर्चना की गई। सूर्योदय के साथ ही आचार्य पंडित गिरिजा शंकर अत्रे एवं वेद पाठी पंडितों द्वारा विधि विधान से मां रेवा के समक्ष अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई। विद्वान पंडितों द्वारा सहस्त्रार्चन पाठ किया गया। शाम 7 बजे 108 दीपों से महाआरती हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर दर्शन लाभ लिया। निवेदन है कि आज प्रातःकालीन माघ शुक्ला प्रतिपदा को साथ में लेते हुए भगवान सूर्य नारायण की ज्योत जैसे प्रकट होती है प्रातःकालीन, उसी ज्योत को ज्योत में वितरित करके और माँ की ज्योत उठाई गई, नर्मदा जयंती का शुभारंभ हुआ। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष 6 दिवसीय आयोजन है। गवर्नमेंट की आज्ञा के अनुसार उसका कोविड का पालन करते हुए और ये आयोजन हो रहा है। इसमें भंडारा कैंसिल करा है, इसमें मेला ख़त्म करा, यहाँ से मेला नहीं लगेगा। सायंकालीन प्रतिदिन 6 दिवसीय आयोजन ये पूजन पाठ इत्यादि के साथ में चलता रहेगा। माँ नर्मदा जयंती ये कहीं युगों से मनती चली आ रही है, परंतु हमारे बड़वा के कुछ बालकों ने माँ मेकल सेवा संस्था का स्थापना करके और इस आयोजन को ये 27वां वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। इस नर्मदा जयंती पे कोविड का पालन करते हुए और प्रशासन ने जो हमको आदेश दिए, सूक्ष्म रूप में हम इसको मनाने जा रहे हैं। प्रतिदिन सायंकालीन माँ भगवती की महाआरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, यही आयोजन हम जो है सो आनंद के साथ में करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। क्यों मनाई जाती है और उसका क्या महत्व है? नर्मदा जयंती ऋषि कालों से इसका उच्चारण हुआ है और भगवान शंकर की मानस शक्ति के द्वारा ये कन्या रूप में उत्पन्न हुई और सृष्टि पे भ्रमण कर रही थी। भगवान शंकर से इनका समावेश हुआ, मिले और उनने फिर प्रार्थना करी माँ भगवती ने कि मैं आपकी पुत्री हूँ, आपकी कन्या हूँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें आप कि मैं अमर रहूँ और इस सृष्टि को अमरता प्रदान करती रहूँ। उसी को देखते हुए भगवान शंकर ने आशीर्वाद प्रदान करा और जल स्वरूप में अमृत रूप में इसको प्रवाहित कर दी माई को। जब से ये अनादिकाल से प्रभावित है, सारी नदियाँ विलीन हो जाती है, परंतु ये नदी कभी विलीन नहीं हुई, ये अपना स्वरूप अलग ही रखती है। माँ श्री नर्मदेहर पूरे देश में 4 नवरात्र होती है, 2 गुप्त हैं, 2 उज्ज्वल और ये गुप्त नवरात्रा के आज प्रथम दिन माँ नर्मदा जयंती यहाँ बड़वा खेड़ी घाट पर हर साल के अनुसार मनाई जाती है, जहाँ विभिन्न प्रकार के प्रदेश के नहीं, देश के नहीं, विदेशों तक के भी श्रद्धालु आकर इस नर्मदा जयंती का लुत्फ़ उठाते हैं। पर कोरोना काल के कारण इस बार कार्यक्रम का व्यापक स्वरूप न देते हुए छोटे स्वरूप में सिर्फ आरती रखी गई है। हर साल भंडारा और ये होता है और इस माई की परिक्रमा पे इस बार सभी ओर से जो पैदल परिक्रमावासी चलते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था राधा कृष्ण मंदिर पर रहती है। और माई का ऐसा प्रकाप है कि अमरकंटक से निकली मैया कलकल हिंदुस्तान की पहली नदी है जो पूरब से निकली है, पूरब से पश्चिम गई है, बाकी अन्य नदियां पश्चिम से पूरब की ओर गई हैं। माँ श्री नर्मदेहर जिंदगी भर। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।